हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन सभी के लिए जो वीडियो को लाइक कर रहे, कमेंट्स कर रहे और सब्सक्राइब कर रहे। फाइनली 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसको लेके मैं बहुत खुश हूँ आज। और आप सभी का मैं उस चीज़ के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, ठीक है? और उस प्रभु परमात्मा को भी। और मैं बिल्कुल प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए कि आप सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हो, बहुत सारी अबंडेंस हो। जो भी चीज़ आप चाहते हो, भगवान वो सारी इच्छाएं आपकी वो पूरी करे, ज़रूर करे, ठीक है? तो आज मैं फिर से एक पिके कार्ड रीडिंग लेके आ गई हूँ, और जिसका थीम रहेगा कि क्या लोग आपको छुप छुप कर देखते हैं, देखते हैं तो वो क्यों देखते हैं, ठीक है? और ताकि देखो, हमारे मन में भी रहता है कि यार ये पर्सन हमें क्यों ऑब्जर्व कर रहा है, क्यों इतना हमारे ऊपर ध्यान देता है, क्यों ऐसा करता है। कभी कभी हम उस सोच में पड़ जाते हैं ना, ठीक है? तो मेरा आज का थीम यही रहेगा। और मैंने यहाँ पर हमेशा की तरह पाइल रखी हुई है, पाइल 1 एंड पाइल 2, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको क्लोज से बता देती हूँ, पास से ये है पाइल 1, ओके? एक्सेप्ट लव, नजर आ रहा है आपको, ठीक है? आप कार्ड से भी आप जा सकते हो, ठीक है? लव। एंड सेकेंड पाइल है लिसन टू विजडम, ओके? इसमें से ये 2 पाइल रखी हुई है, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपकी निगाह है, जिस पे ज़्यादा टिक रही है, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, उसको आप अपनी पाइल बनाओ यहाँ पर, ठीक है? अगर आप गाइडलाइंस के रूप में वीडियो को देखना चाहते हो, रीडिंग को देखना चाहते हो, तो आप दोनों पाइल को भी चूज़ कर सकते हो, पूरी रीडिंग आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है? कुछ ना कुछ मैसेज आपको ज़रूर यहाँ पर मिलेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है? और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं एक इंटुइटिव टैरो रीडर हूँ, ठीक है? जो भी मैसेज अगर आपको अलग से लगते हैं, कुछ डिफरेंट लगते हैं, तो ये समझ लो कि वो इंट्यूशन से ही आए हैं यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर मैं पाइल 1 से रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा कि आज का थीम क्या है मेरा, ठीक है? तो पाइल 1 से स्टार्ट करती हूँ मैं यहाँ पर। हाय पाइल 1, तो जिसने भी अलग कार्ड चूज़ किया था, एक्सेप्ट लव, तो यहाँ पर लोग आपको चुप चुप कर क्यों देखते हैं, ठीक है? क्या वो देखते हैं? तो इस कार्ड से मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर मतलब लोग आपको क्योंकि आपके अंदर है ना, बहुत लोगों के लिए बहुत प्यार है यहाँ पर, ठीक है? आप किसी के लिए भी, आप कहते हैं ना कि ये लगा लो कि आप अपने लिए काम करते हो, अपने लिए जीते हो, और आप जो भी काम करते हो ना अपने लिए, वो बहुत प्यार से आप काम करते हो यहाँ पर, ठीक है? आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्पेशली मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप जो कुकिंग करते हो और जो खाना बनाते हो, उसकी लोग है ना, वो छुप छुप कर यहाँ पर आपको देखते हैं कि आप इतना टेस्टी खाना कैसे बना लेते हो, इतना इतना मतलब उसमें, मतलब ये लगा लो कि जिस तरीके से आप अपने काम को करते हो, उसमें कहते हैं ना, अपना प्यार मिला देना, अपनी पॉजिटिविटी को मिक्स कर देना, अपनी हर चीज़ को उसमें, मतलब कितना भी टाइम लगे, कितना भी आपको उस फूड बनाने में कितनी भी इंग्रेडिएंट्स लगे, कितना भी सामान लगे, कितना भी टाइम लगे, आप उस चीज़ की फिर टेंशन नहीं करते हो। आप अपना 100% आप अपने हर काम में लगाते हो यहाँ पर, ठीक है? एक उनके आपका जो काम रहता है ना, वो इतना पीसफुली, आप इतना शांति में करते हो कि लोग है ना, उस चीज़ को चुप चुप कर देखते हैं यहाँ पर, ठीक है? कि कितना, मतलब कितने उसमें कितना प्यार बोला है आपने, कितने प्यार से किसी काम को आप कर रहे हो, ठीक है? जैसे किसी का आपको है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी कोई काम करते हो, आप टेंशन फ्री होके काम करते हो, किसी चीज़ का बर्डन नहीं लेते हो आप, बिल्कुल आप अपनी एनर्जी में रहते हो। क्यों? क्योंकि आप हो बहुत ज़्यादा
दिल वाले, ठीक है, एक आपके है ना, सिर्फ दिल में, मतलब वो कहते हैं ना, प्रेम है, प्यार है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी से भी प्यार से मिलोगे, प्यार से बात करोगे, तो वो भी आपके एनर्जी को कैच करेगा, वो भी आपकी इस चीज़ की तारीफ करता है पीछे से, और चुप चुप के आपको वो यहाँ पर देखता भी है, ठीक है, कि आप कितने उससे आप अपनी चीज़ों को मैनेज करते हो, ठीक है। तो कहने का मीनिंग यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आप जो भी काम करते हो ना, बहुत ईमानदारी से, अपनी ऑनेस्टी से, बहुत प्यार से, और बहुत जितना भी टाइम लगे उसमें आप पूरा, वो कहते हैं ना, अपना 100% देना। तो लोगों को ये जो चीज़ें हैं ना, बहुत वो चुप चुप कर आपकी वो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। और काफ़ी उन लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी ना काफ़ी अपनी चीज़ों के ऊपर काफ़ी कमांड है, ठीक है, आपने अपनी हर चीज़ को है ना कहते के काबू में कर रखा है, ठीक है। और स्पेशली यहाँ पर जो आप फूड बनाते हो उसमें वो उसकी बहुत चर्चाएं होती होंगी, बहुत तारीफें होती होंगी वहाँ पर। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग, मतलब आप है ना एनिमल्स या फूड बना के, वो कहते हैं ना डोनेट करना, ठीक है, उसको ऐसे लोगों के बीच में सर्व करना जिन्हें वाकई में उनकी ज़रूरत है, ठीक है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है, या तो आप आपके एनिमल्स, डॉग, उन सबको है ना बहुत प्यार से खाना खिलाते हो, और जितने प्यार से आप उनको केयर करते हो, खाना खिलाते हो, वो सारे लोग है ना आपको उस चीज़ को बहुत चुप चुप के यहाँ पर आपको देखते हैं, ठीक है। वो इसीलिए देखते हैं कि वो पता है कहीं ना कहीं आपके इन सब चीज़ों को वो इंजॉय करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, तो वो उस चीज़ को देखते हैं और कहीं ना कहीं वो महसूस करते हैं कि हम भी इस चीज़ को फॉलो करें यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी आप अपने ही काम में काफ़ी यहाँ पर बिजी नज़र आते हो, तो लोग आपको काफ़ी, मतलब एक, आप जितना बिजी हो रहे हो ना अपनी चीज़ों को लेकर, लोग इस चीज़ को चुप चुप कर देखते हैं कि ये बंदा या बंदी कहाँ, एक्चुअल में कहाँ इतना बिजी है, क्या कर रहा है ये आजकल, और क्यों कर रहा है, किस लिए इतना, मतलब ऐसा उनको ऐसा फील हो रहा है अभी आपके लिए कि काफ़ी चेंजेस आपकी लाइफ में आते गए हैं, आते गए हैं, जिसकी वजह से आपने है ना अपनी लाइफ को टोटली चेंज करके रखा हुआ है, ठीक है। तो वो जो चेंजेस आपकी लाइफ में, पॉजिटिविटी आई है, और तो उस चीज़ को लोग है ना काफ़ी चुप चुप के यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। और आगे मैं टेरो से बताती हूँ। थैंक यू, जस्ट थैंक यू। लोग चुप चुप क्यों देखते हैं, चुप चुप क्यों देख रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स। लोग आपको चुप चुप कर देखते हैं, देखते हैं तो क्यों देखते हैं, लोग आपको चुप चुप कर क्यों देखते हैं, देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, क्या लोग आपको चुप चुप कर देखते हैं। इसको नहीं लेंगे हम। एंड फर्स्ट कार्ड आपका आया था 3 ऑफ कप्स। मैंने इस कार्ड से अभी आपको बताया कि आप बहुत खुश हो अपने आप में, बहुत खुश हो अपने आप में, अपने काम में बहुत खुश हो आप, और जो भी करते हो आप बहुत दिल से करते हो ये, और जो काम हम दिल से करते हैं उसमें हम खुश होते हैं, ठीक है। तो वो जो आपकी खुशी होती है ना, वो खुशी लोग उस चीज़ को, मैंने इससे भी बताया कि उस चीज़ से लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं आपकी। वो एक कहते हैं ना कि जब कोई एक पॉजिटिव है, और पॉजिटिव इंसान किसी ऐसे इंसान से मिलेगा तो वो भी खुश हो जाएगा, ठीक है। आप लोग, आपको है ना इसलिए चुप चुप के देखते हैं कि आप काफ़ी खुश रहते हो, इन्जॉय करते हो, सेलिब्रेट करते हो, इतना खुश आप कैसे रह लेते हो, ठीक है। काफ़ी आप, मतलब आप अपनों के बीच में, आपकी फैमिली के बीच में, आपके परिवार के बीच में
काफ़ी मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि आपको शायद किसी की ज़रूरत होती होगी। आप अपने अंदर ही अंदर अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हो, ठीक है। काफ़ी खुश मिजाज जो होते हैं ना, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें हैं ना लोग बाग, कि आप जब अंदर से खुश रहते हैं ना हम, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, हमें बाहर के लोगों की परवाह नहीं होती है, वो क्या बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं। लेकिन जब आप मतलब एक हट के कुछ अलग करते हो, ठीक है, और अपने ही अंदर अंदर सारी चीज़ों को देखते हो, अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगाते हो, अपने अंदर खुश रहना, तो वो सारी चीज़ें हैं ना लोग चुप चुप कर आपको यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। आप लोगों के साथ काफ़ी खुश रहते हो, जिससे भी मिलते हो बहुत खुशी खुशी यहाँ पर आप मिलते हो, ठीक है। पेज ऑफ वेंड्स यहाँ पर ये कार्ड्स मुझे ये बता रहा है कि आप है ना अपनी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हो, बहुत वो कहते हैं ना उसकी केयर करना, उसका ध्यान रखना। और कहीं ना कहीं उसको मैंने जैसे इससे भी बताया था कि आप अपनी चीज़ों को कहते हैं ना अच्छे से जो नर्चर करना, उसको सजाना संवारना, उसके ऊपर टाइम लगाना, उसे दिल से करना। कोई भी काम जब आप दिल से करते हो तो डेफिनेटली उस काम में ग्रोथ होती ही होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कार्ड्स यही बता रहा है कि जब आप अपने काम को पूरी शिद्दत, ईमानदारी, पूरी पैशनेट के साथ जब आप करते हो ना, तो उसमें जब जो ग्रोथ होती है ना, वो चीज़ आपकी लोग उस चीज़ को काफ़ी मतलब जानना चाहते हैं उसके बारे में, कि आप ये सब मतलब इतना सब कुछ कैसे कर पाते हो, कैसे कर रहे हो आप ये सब, ठीक है। लेकिन शायद उन लोगों को ये नहीं पता कि ये सारी चीज़ें आपकी कुदरती आपके अंदर यहाँ पर दी गई हैं, क्योंकि आप हो क्रिएटिव, ठीक है। क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपका है ना यहाँ पर मैं जो चक्रास देख रही हूँ ना आपका, जो कि सोलर प्लेसेस चक्रा काफ़ी एक्टिव है आपका, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके चक्रा लगभग एक्टिव ही हैं यहाँ पर, थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं वो भी किसी, क्योंकि आप हो बहुत ज़्यादा इमोशनल, प्योर हार्टेड हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप कुछ भी ऐसी क्योंकि देखो जो इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, वो दूसरों की एनर्जी भी बहुत जल्दी यहाँ पर पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ से भी लोग बहुत ज़्यादा आपको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों के बीच में इतना खुश कैसे रह लेते हो, आप किसी के साथ भी इजीली मिक्सअप होना ज़्यादा पसंद करते हो यहाँ पर, ठीक है। तो जिस हिसाब से आप अपनी चीज़ों को टाइम देते हो, उनको एक ईमानदारी से लेके चलना, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें लोग आपकी बहुत ज़्यादा आपको ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर, चुप चुप के आपको यहाँ पर देखते हैं कि ये एक्चुअल में ये हो कैसे रहा है, ठीक है। वो देखते इसीलिए ही हैं क्योंकि आप जो कर रहे हो ना, उसमें डेफिनेटली आप आगे 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 बढ़ते जा रहे हो और काफ़ी खुश रह रहे हो, ठीक है। तो वो उस चीज़ को जानना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एट ऑफ कप्स, ठीक है, यहाँ पर आप डेफिनेटली वो ये देखना चाहते हैं कि आप इतना आगे कैसे बढ़ रहे हो, और काफ़ी आपने उन लोगों को ये जानना है, वो चुप चुप कर आपको इसीलिए देखते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये जानना है कि आपने एक्चुअल में आपकी पास्ट की चीज़ों को क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा आपने, और इतना आगे आप क्यों बढ़े हो। उन लोगों को छोड़ा जो पहले आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते थे, ठीक है, जिनके बीच में आपकी खुशी होती थी, जिनके बीच में आप ज़्यादा खुश होते थे, ठीक है। तो वो लोग बाग ना चुप चुप कर इन सब चीज़ों को देखते हैं कि आपके अंदर इतना चेंजेस किस वजह से आया और क्यों आया, क्योंकि आपने है ना अपनी अपनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीलिंग की है यहाँ पर,
अपने आप को कैसे खुश रखना है, अपने अपने काम में कैसे 100% देना है, अपनी ग्रोथ कैसे करना है, हमें किस टाइम पर क्या काम करना है, ये आपने अपने जीवन से पास्ट में जो कुछ हुआ आपका कुछ डेफिनेटली कुछ मेज़र कहते हैं ना, कुछ मेज़र आपके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कहते हैं ना कि छोड़ना या करना हर इंसान नॉर्मल इंसान के हाथ में नहीं होता है। जो अंदर से बहुत प्योर होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, देखो जो प्योर होते हैं वो स्ट्रांग भी होते हैं, इतना मान के चलो आप, ठीक है। तो ये जो आपके अंदर ये सभी इतनी चेंजेस आए हैं ना, और आप बहुत आप आगे बढ़ चुके हो, वो भी बड़े हो कहाँ पर आप, है ना, भगवान का रास्ता कहीं ना कहीं आप भगवान में अभी भक्ति में या अपनी चीज़ों में आप लीन हो, ठीक है। अपनी अपना टाइम अपने ऊपर लगाना, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ कार्ड है एस ऑफ वैंड्स, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स लोग आपको इसलिए चुप चुप कर यहाँ पर इसलिए देखते हैं, और देखते हैं वो इसलिए देखते हैं कि आपको क्या ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, खुश रह रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको ये भी शायद ये भी पता चला है कि आपके पास जो चीज़ें आई हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी चीज़ों को साइड किया है, और जो कुदरत की थी, जो कुदरत की तरफ से आई थी चीज़ें, वो आपने उनके लिए जो आ रही थी उनका वेलकम करने के लिए अपने आप को रेडी करना, ठीक है। तो वो जो अब आपने रेडी किया, अपने आप को पॉलिश किया, अपने आप को चमकाया, ताकि कहते ना वो जो चेंजेस आए थे ना, वो चेंजेस आपके अंदर इसीलिए आए थे क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, एक्चुअल में आप हो क्या, उस चीज़ को यहाँ पर आपको जानना था, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी उसको बाहर लेके आना था आपको, ठीक है। तो ये लोगों को पता है आपके बारे में, इसीलिए वो चुप चुप कर आपको यहाँ पर देखते हैं, और कि ये सब चीज़ें जो इनके हाथ में आई है, इतनी जो इतना जो आप ग्रोथ कर रहे हो, वो एक ग्रोथ होती है, एक छोटी सी हो बड़ी हो डजेंट मैटर, लेकिन डेफिनेटली आप अपनी सिचुएशन से तो आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर कुदरत ने आपके साथ कुछ जस्टिस किया है, आपके साथ कुछ कहते हैं ना, कुछ जबरदस्त कुछ ऐसा अन्याय हुआ था आपके साथ, जिसको लेके आपके साथ ये जो चेंजेस आए ना आपके अंदर, जो पॉजिटिव चेंजेस है, ये एक जस्टिस था आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको लोग इसलिए चुप चुप कर यहाँ पर देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसी कुदरत ने भगवान ने आपको क्या दे दिया, क्या आपके हाथ लग गई चीज़ें जिसको लेकर आप इतने खुश हो, ठीक है। तो इसीलिए वो आपको पीछे से देखते हैं, चुप चुप कर यहाँ पर देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। आप अपना टाइम वो कहते हैं ना आगे बढ़ने में लगा रहे हो, अपनी ग्रोथ पर लगा रहे हो, अपने अपनी चीज़ों का एक कहते हैं ना एक एम बना रखा है, उसी पर आपने एक फोकस लगा रखा है कि हाँ अब मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना, अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे भगवान ने जो चीज़ें दी हैं, जो मेरे अंदर भगवान ने जो हुनर दिए हैं, मुझे उसके ऊपर काम करके खुश रहना है, इंजॉय करना है, ठीक है। यहाँ पर ये कार्ड्स को आना ही था, ओके। यहाँ पर टेम्परेंस है, देखो डेफिनेटली आपने, मैंने इस कार्ड से आपको बोला था कि आप अपने आप को भक्ति में लीन करना, आगे बढ़ जाना, क्योंकि आप है ना, आपको भगवान और एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट किया है उनकी तरफ से, आप हो बिल्कुल एक, लोग आपको पता है यहाँ पर इसलिए भी चुप चुप के देखते हैं कि आपके अंदर कौन सी ऐसी पावर है
कौन सी ऐसी एनर्जी है जो आपको इतना आगे बढ़ा रही है, इतना आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, इतना आप भगवान के निकट जा रहे हो, उतना आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी कैरियर में आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो यहाँ पर, ठीक है। ले वो इस चीज़ को छुप छुप कर यहाँ पर आपकी देखते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं भगवान आपके साथ हैं, क्यों? क्योंकि पता है, अब वो इसलिए देखते हैं क्योंकि आप जो भी काम करते हो ना, उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। मुझे नहीं लगता कि आपको अभी इस टाइम किसी भी चीज़ का, मतलब एक को कहते हैं ना कि ऐसे तो हमारी परेशानियां हर वक्त हमारे साथ चलती रहेंगी, वो तो ठीक है, लेकिन जो मेजर मेजर चीज़ें होती हैं ना, वो मुझे यहाँ पर अभी कुछ नज़र नहीं आ रही है आपकी, ठीक है। ऐसे तो दिनचर्या हमारी अप डाउन अप डाउन लगी रहेगी वो तो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लोग आपको चुप चुप कर देखते हैं। पता है क्यों देखते हैं वो? क्योंकि आपके पास ईश्वर ने वो सारी खुशियाँ आपको दे रखी हैं, चाहे प्यार हो, चाहे पैसा हो, चाहे किसी के लिए भी आप, मतलब वो आपको है ना एक उस फॉर्म में देखते हैं कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बस देर किस बात की कि आप अपनी एनर्जी को उस चीज में लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है। आप अगर आपको उन लोगों को, पता है ऐसा लगता है, अगर आपको प्यार की जरूरत है तो आपको टाइम टाइम पे प्यार मिलता है, अगर आपको पैसों की जरूरत है तो टाइम टाइम पे आपको पैसा मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि वो भर भर के चीजें आ रही हो, लेकिन एक इंसान की जहाँ पर इंसान को जितनी जरूरत होती है, वो अंदर से जैसे खुश रहता है, उतना यहाँ पर आपको दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी एनर्जी में क्योंकि कि आप देखो क्या होता है ना कि जब हम अंदर से खुश होते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, किसका साथ लेके? भगवान का साथ लेके। भगवान ने हमें क्या दिया है, क्यों किया है, ये सब जानते हुए समझते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस ईश्वर से जुड़ जाते हैं। जब हम उस ईश्वर से जुड़ते हैं तो वो भी हमें समानता है, वो भी हमारी चीज़ों को इक्वल करता है, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी बैलेंस है, ठीक है। आप जितने जितने आप कहते हैं ना ऊपर हो, उतने ही आप नीचे हो, ठीक है। आप जानते हो कि मुझे कहाँ किस वक्त क्या काम कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर कहीं ना कहीं आप लोग आपको चुप चुप कर इसलिए भी देखते हैं कि आपके पास से ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं भगवान की, स्पिरिचुअली कुछ ऐसे गिफ्ट आपको दिए गए हैं जिसकी वजह को लेके, जिसको लेकर आप काफ़ी खुश रहते हो, क्योंकि आपका मन है ना बहुत कोमल है, नाजुक है, और भगवान के ऊपर काफ़ी आप विश्वास करते हो, इसीलिए आप इतना बैलेंस रहते हो। हर सिचुएशन को आप काफ़ी अच्छे से हैंडल करना जानते हो, कब कैसे कहाँ मुझे क्या काम करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। एक लोगों को आपके अंदर होप, उम्मीद कहते हैं ना, उम्मीद, ये तो हमारी ज़िंदगी का जो दीपक होता है ना, ये सबसे बड़ा दीपक होता है, ठीक है। एक इंसान के अंदर एक होप रहती है ना, तो यकीन मानो आप अपनी ज़िंदगी को जीत गए, ठीक है, अब भी जीत गए आप अपनी ज़िंदगी को, बस हिम्मत नहीं हारनी है किसी भी हाल में। और वही लोग आपके अंदर देखते हैं, एक कहते हैं ना, चाहे सिचुएशन से कैसी भी हो, मैंने पहले भी बताया था, आपने काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में सीखा है, जाना है, लेसन, जबरदस्त लेसन लिए हैं आपने, तो लोग उस चीज़ को चुपके से देखते हैं, ठीक है, जिसको लेकर आप काफ़ी अब बैलेंस हो चुके हो, आप अपनी सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेते हो, तो लोग इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से देखते हैं कि आप अपनी हर चीज़ को कैसे मैनेज कर लेते हो, कैसे हैंडल कर लेते हो, कुछ तो है आपके साथ, ठीक है, कोई पावर तो है आपको जो टाइम टाइम पे आपको संभालती है, टाइम टाइम पे आपको आगे की तरफ बढ़ाती है, कब आपको खुश रहना है, क्या करना है, एंजॉय करना है, वो टाइम टाइम पे सब आपके साथ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ, वाओ क्या कार्ड्स निकले हैं आपके, एस ऑफ सोर्स एंड नाइन ऑफ पैंटिकल्स,
ठीक है। तो यहाँ पर एस ऑफ सोर्स बिल्कुल आपको हर चीज में क्लैरिटी ले लो, ठीक है। एक कहीं ना कहीं आपका माइंड जिसको लेकर आप काफ़ी ऐसी चीज़ों में थे जो आपको चीज़ें क्लियर नहीं थी पहले, ठीक है। लेकिन लोग अब इस चीज़ को काफ़ी देख रहे हैं चुप चुप के कि आपके पास इतनी हर चीज़ को लेके कैसे क्लियर रहते हो, कैसे आपके माइंड के अंदर कैसे क्लियरिटी आती जाती है, ठीक है। जिसको लेकर आप जो चीज़ें मतलब आपने कहते हैं ना कि इसको हाँ तो हाँ, इसको ना तो ना, ठीक है, वो क्लियरिटी इतनी कैसे कर लेते हो, कैसे अपने वर्क में, अपनी थॉट्स में, अपनी चीज़ों को लेके काफ़ी वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले क्लियर नहीं थी, लेकिन अब आप स्ट्रॉन्गली अपने लिए खड़े रहते हो, अपने लिए डिसीज़न पावर आपकी बहुत ज़्यादा अभी अच्छी लग रही है, कॉन्फिडेंस लेवल मुझे काफ़ी आपका अच्छा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी कुछ क्लियरिटी आपके माइंड में यहाँ पर मैं देख रही हूँ, तो लोग उस सब चीज़ों को लेके काफ़ी एक कहते हैं ना आश्चर्यचकित हैं कि आप कैसे इतना सब कुछ कर लेते हो, ठीक है। एक भगवान की तरफ से ही ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, ये लोगों इस चीज़ को वो जानते हैं और जानना मतलब कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना उनका दिमाग दिमाग को कहते हैं ना शून्य हो जाना, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड और ये कार्ड सेम ही है कि पूरी रीडिंग में मैंने इसी कार्ड्स का मीनिंग बता दिया है। आप अपने आपको जो दिया गया जो भी आप काम करते हो, ठीक है, उसके साथ आप इंजॉय भी करना जानते हो कि कैसे अपनी चीज़ें अपनी चीज़ों के साथ खुश रहा जाता है, ठीक है। अपनी चाहे आपकी वो चीज़ें कोई सी भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, वो आप वहाँ पर पहले क्या करते हो, आप लोग बाग इस चीज़ को चुप चुप के देखते हैं कि पहले आप अपनी बहुत मेहनत करते हो, मेहनत से वो सब चीज़ों को अचीव करते हो और फिर फाइनली उसके साथ आप इंजॉय भी करते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वो जो जब आप वो इंजॉय करते हो, वो इंजॉय आपका हो सकता है आप मनी वाइज काफ़ी आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इस टाइम पे किसी भी तरह की कोई सिचुएशन आपके साथ ऐसी नहीं है जिसको लेके काफ़ी आपको सोच विचार करना पड़े। जितना है वो भगवान को पता है कि इतना ही इस बंदे के पास होना चाहिए और सफिशेंट है वो। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को जान पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि हाँ ये चीज़ें मुझे इतनी मिली हैं, यही मेरी डेस्टिनी में था। क्योंकि जो नेचुरली हम चीज़ें जब जान पाते हैं ना नेचुरली, ठीक है, तब हम बहुत खुश रहने लगते हैं अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक्चुअल में कि एक इंसान को क्या चाहिए, वो खुश कैसे हो सकता है, वो खुश कैसे रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं और फाइनली फिर आप जितना भी है आप उतना खुश रह रहे हो। अब मैं चक्राओं से देखती हूँ, मैं यहाँ पर चक्राओं से 3 कार्ड्स निकालूंगी। लोग आपको चुप चुप कर देखते हैं तो क्यों देखते हैं। पाइल वन इस कार्ड्स को आना था। ओके, इनसिक्योरिटी, ग्रोथ, देखो मैं यहाँ पर बताऊँ, मुझे फाइनली बिल्कुल हंसी आ रही है यहाँ पर। लोगों को पता है काफ़ी इनसिक्योरिटी फील होती है यहाँ पर कि आप इतना क्यों ग्रोथ कर रहे हो, क्यों, मतलब चाहे वो ग्रोथ किसी भी फील्ड में हो सकती है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकती है, आपके करियर में हो सकती है, या आप इतना खुश क्यों हो रहे हो, ठीक है। क्रिएशन, ये वो ये सोचते हैं आपकी लाइफ में इतने मिरेकल क्यों हो रहे हैं, आपके अंदर इतनी कौन सी क्रिएटिविटी है जिसको लेकर आप
डे बाय डे कुछ नया करते जा रहे हो और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते जा रहे हो, तो लोग चुप चुप कर आपको, मुझे सॉरी पाइल वन बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड। तो यहाँ पर आपकी जो क्रिएटिविटी है ना वो काफ़ी रंग ला रही है, ठीक है, वो काफ़ी इन सब चीज़ों को देख के है, कहीं ना कहीं काफ़ी वो कहते हैं ना, जब हम किसी की सक्सेस को देखते हैं, जब हम किसी को हम अपनी बातें नहीं कर रहे हैं, हम उन लोगों की बातें कर रहे हैं जिनका ये आया है, कि वो काफ़ी वो कहते हैं ना, अपने आप को आपके आगे बहुत छोटा समझ लेना और बहुत मतलब एक वैसी एनर्जी में ले जाके रख देना कि बाबा हम इसके सामने हम नहीं टिक सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी अलग है। तो मैं ये बताऊं कि जो वो ये सोच रहे हैं, काफ़ी हद तक जो आपकी रीडिंग निकली है काफ़ी हद तक बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, तो उनका काफ़ी वो उन सब चीज़ों को काफ़ी वो दिल से लगा रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपके ऊपर सोच विचार करते हैं कि कैसे ये इतना पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, चाहे कैसे भी है वो, कुछ भी है, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत संभाल रहे हो आप, ठीक है, ग्रोथ है आपकी, क्रिएटिविटी पर आप काम कर रहे हो, पूरी रीडिंग में आपका यही निकला है। काफ़ी वो कहते हैं ना, डरे हुए सहमे हुए से वो आपके सामने चुप चुप कर आपको, इसीलिए देखो चुप चुप कर कौन देखता है, वही लोग देखते हैं जिनकी आपके सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ती है, ना ही बात करने की, ठीक है, वही लोग हमें पीछे से देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड्स वही बता रहा है, जो रीडिंग थी वो प्रूफ हो गई है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपको रेजोनेट हो, रेजोनेट होती हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय पाइल वन। हाय पाइल टू। तो जिसने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर। लिसनिंग टू विजडम। ओके पाइल टू, लोग आपको क्या चुप चुप कर देखते हैं, देखते हैं तो क्यों देखते हैं यहाँ पर? पहली बात तो मैं ये बताऊं कि आपको वो इसीलिए देखते हैं यहाँ पर क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा गाइड किया जा रहा है, आपको कुछ सिखाया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी, आपके अंदर नॉलेज आ रही है, बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान मिल रहा है, ठीक है। वो ये ज्ञान आपका मतलब आपकी आपको आगे बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप मतलब जो आपको आपके आपके जो पाइल टू, आपके एंस्टर्स, आपके जो आपके पूर्वज हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको काफ़ी यहाँ पर गाइड करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं जिसकी वजह से आपको आपकी नॉलेज और उसको बढ़ोतरी हो उसको वहाँ पर, और उसकी ग्रोथ हो, ताकि बहुत सारी चीज़ों का आप अच्छे से जान पाओ और समझ पाओ और आगे की तरफ बढ़ पाओ यहाँ पर, ठीक है। तो आपके अंदर जो आपको गाइडलाइंस दी जाती है, आपको बताया जाता है, वो उन लोगों को ऐसा लगता है कि आपको आपको ये सब चीज़ें मिल कहाँ से रही हैं, आपको इतनी नॉलेज, इतनी जानकारी, इतना सब कुछ कहाँ से आ रहा है आपके पास? लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि आपके अंदर ये जो आपको हेल्प दी जा रही है, आपके एंस्टर्स, आपके पूर्वजों की तरफ से आपको ये हेल्प दी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो लोग बाग इसको चुप चुप कर देखते हैं और बिल्कुल देखते हैं। अब क्यों देखते हैं मैं रीडिंग से यहाँ पर निकालती हूँ, वो देखते हैं इसीलिए ही है कि इतनी जो नॉलेज आपको आ रही है वो कहाँ से आ रही है, इतना जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है, इतनी ज्ञान भरी, शायद मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें कर रहे हो, लोगों को रास्ता दिखा रहे हो, लोगों से आप ऐसी बातें कर रहे हो जिसकी वजह से लोग आश्चर्य में पड़ जाते होंगे कि आप इतना सब कुछ कैसे जान रहे हो, इतना सब कुछ आपको, इतनी डीप नॉलेज आपको मिल कहाँ से रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पता है आप है ना,
मैं पायल टू आपके लिए ये बताऊं, क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा कोई भी काम को आप ऊपरी ऊपरी नहीं करना पसंद करते हो, कोई भी काम को आप गहराई में जाके बहुत ध्यान से किसी काम को आप करते हो, ध्यान से किसी चीज़ को सुनते हो, ठीक है। यहाँ पर वो सारी चीज़ें जब आप किसी काम को मतलब चाहे आपका कोई भी काम हो या चाहे स्टडी हो और या चाहे कुदरत की तरफ से आपको कोई साइन भी दिया जाता है, तो बड़े आप उसको ऐसे इग्नोर नहीं मारते हो, जितना आपको समझने की कोशिश आप करते हो शायद कोई और करता नहीं होगा। पायल टू में यहाँ पर आपके लिए बताऊँ तो ये जो आपका ज्ञान और जो आप मेहनत करते हो, जो भी आपको बताया जाता है उसको समझने की कोशिश करते हो कि एक्चुअल में मुझे और क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, मुझे और मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ, और मैं कैसे जा सकती हूँ आगे, तो कहीं ना कहीं आप है ना जहाँ से भी पायल टू में बताऊँ जहाँ से भी ज्ञान मिलता है ना, ज्ञान की चीज़ें बताई जाती हैं जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, वो आप पे ना उस चीज़ को इग्नोर नहीं करते हो, उसको पकड़ लेना, ठीक है, उसको सुनना समझना, इससे क्या है ना आप वो और ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है। तो जो आप जितनी मेहनत करते हो आपके साथ साथ एक आपके पूर्वज भी आपके साथ लगे हुए हैं जो आपको इस तरह से आपको यहाँ पर लाया जा रहा है, ठीक है। तो लोग बाग इस चीज़ को काफ़ी मतलब चुप चुप के देखते हैं कि इतना नॉलेज आपको मिल कहाँ से रहा है। फर्स्ट कार्ड है आपका किंग ऑफ वैंड्स, ठीक है। डेफिनेटली एक यहाँ पर मैं ये बताऊँ, किंग ऑफ वैंड्स देखो होता है अपनी एक, इसके अंदर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास इसका चरम सीमा पर होता है, क्योंकि ये अपनी है ना एक पोजीशन बना के बैठा हुआ है। आप इन्होंने अपनी अपनी नॉलेज से अपने आप को तो निखारा है, ठीक है, लेकिन अब अपनी नॉलेज और अपनी बुद्धि से अपनी पोजीशन पर बैठा है यहाँ पर। और एक एक बात और बताऊँ कि आप है ना आप जल्दी से किसी चीज़ को छोड़ना पसंद नहीं करते हो, ठीक है। एक बार जो चीज़ें आपके हत्थे लग गई ना फिर वो आपके हाथ से वो जा नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि आपकी है ना वो आपकी ग्रिप, ठीक है, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस यहाँ पर एक जबरदस्त बहुत काम करता है आपके लिए, ठीक है। तो लोग वाग इस चीज़ को चुपके चुपके देखते हैं कि इतना कैरियर में ग्रोथ, जो ये जो आत्मविश्वास है, जो इतनी नॉलेज लेके बैठे हुए हो आप, इस चीज़ को आपकी लोग काफ़ी एक चुप चुप के उस चीज़ को देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर मैं ये बताऊँ आप कि आप है ना लोगों की तरफ एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को आपको प्रूफ करना था वो आपने किया है अपनी तरफ से कि आपने एक्चुअल में आप हो क्या, उसका प्रूफ कहीं ना कहीं आपके माइंड में था, आपके दिलो दिमाग में था, क्योंकि पहले शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी तरह की कोई नॉलेज नहीं थी, किसी तरह का कोई ऐसा नहीं है कि आप मतलब नहीं था आपके अंदर, लेकिन आपको उन सब चीज़ों में कहते हैं ना जब टाइम होता है जब समय होता है तभी हम वो सारी चीज़ों को हम कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब टाइम आपका है, जब आपका टाइम आया आपने ये सारी चीज़ों को जाना समझा सीखा सुना और फाइनली आप एक पोजीशन पे बैठे हुए हो जो कि बहुत एक पावरफुल पोजीशन है और एक कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी क्रिएटिव हो और अपनी आगे की तरफ आपने अपना फोकस लगा रखा है यहाँ पर। और वो जो हम जब आगे की तरफ फोकस लगाते हैं तो डेफिनेटली हम उसमें ग्रोथ भी देखते हैं यहाँ पर। काफ़ी आपके ऐसे आपके पास ऐसे क्योंकि आपके पास एक बुद्धि है, नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, तो आप जहाँ पर काम करते हो आपके कैरियर प्लेस पे भी कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपकी लोगों को पता होती होगी और कहीं ना कहीं वो सब चुपके चुपके आपको देखते हैं और जानने और समझने की काफ़ी कोशिश भी करते हैं। बिल्कुल किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है,
ये राजा ये रानी, ठीक है। यहाँ पर दोनों एनर्जीज, आपकी एनर्जी काफ़ी यहाँ पर बैलेंस है, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपके आपने है ना, पहले आप ऐसा नहीं कि कुछ था नहीं, आपने सारी चीज़ों को शायद करना नहीं चाहते थे या पहले आप अपनी तरफ ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब आपने ध्यान दिया, ठीक है, पता है वो आपने कब अपने आप को जाना, कब अपने आप को समझा, क्योंकि आपको आप ऐसी सिचुएशन से निकले हो जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, परेशानी में ऐसी सिचुएशन थी आपके लिए, ठीक है, जहाँ से किसी के लिए भी उठ पाना, निकल पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस आपका आया है ना आपके अंदर, वो उसी वजह से आया कि देखो हम जब क्या होता है ना कि जब हम जितनी प्रॉब्लम फेस करके आते हैं उतने ही हम मजबूत हो जाते हैं, उतने ही हम निखर के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो जितनी आपने बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया है, ठीक है, और ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उन सब चीज़ों के लिए, आप बिल्कुल ऐसी आपकी हेल्थ कह लो या आपका माइंड कह लो या आपके आपकी आप ऐसी सिचुएशन में थे कि आप है ना, अगर कोई आपको हेल्प भी करता तो भी आप शायद उठ के खड़े नहीं हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं ना आपका कॉन्फिडेंस कि नहीं मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना है, जैसे मैंने इस कार्ड से बताया, आपको किसी को प्रूफ करना है, क्योंकि आपको है ना किसी ने बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना बहुत गिरा हुआ समझ लेना और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना छोटे लेवल पे देखना, तो आपको कहीं ना कहीं उन लोगों को दिखाना था, समझाना था कि कोई भी इंसान कम नहीं होता है जब वो अपनी वाली पे आ जाए या अपने अपनी चीज़ों की तरफ वो जब ध्यान देने लग जाए, ठीक है, जब वो अपने अंदर अपने आप को निखारने में लग जाता है ना, फिर वो एक्चुअल में वो होता क्या है वो सारी चीज़ें फिर पता चलती हैं यहाँ पर। तो वो कहते हैं ना कि एक धक्का लगना, ठीक है, वो आपको एक धक्का ऐसा लगा था, ज़बरदस्त धक्का था, जिसकी वजह से आज आप यहाँ पर इस पोजिशन पर बैठे हुए हो, ठीक है। आपके अंदर दोनों एनर्जी काफ़ी यहाँ पर बैलेंस लग रही है और दोनों ही देखो यहाँ पर क्रिएटिविटी, ठीक है, मेल आपकी फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पर दोनों ही एक ज़बरदस्त रोल प्ले कर रही हैं आपका, क्योंकि वो एनर्जीज काफ़ी क्रिएटिव हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंस है अभी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस लगा रखा है, आगे की तरफ बढ़ रहे हो, क्या है कैसे है क्या नहीं है। तो ये लोग जो अब ये जो लोग हैं ना आपको छुप छुप के इसीलिए देखते हैं कि एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी ब्यूटी के भी काफ़ी बारे में काफ़ी चीज़ें सुनते होंगे या जानना चाहते होंगे, ठीक है, क्योंकि वो डेफिनेटली वो आपके बारे में देखो जानकारी तो रखते हैं। ये जो केट है ना, ब्लैक केट, ये होती है कि दूतावास कहते हैं ना, वो जो खबर रखना, ठीक है, खबर रखते हैं, तो डेफिनेटली लोग आपकी आपके बारे में खबर रखते हैं यहाँ पर, चुप चुप के आपको यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स पायलटी के लिए क्या मैसेज है, तो लोग बाग आपको आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी आप जिस जहाँ जिस सिचुएशन से आप निकल के बाहर आए हो, जो काम कर रहे हो, वो उस चीज़ को वो चुप चुप के यहाँ पर देखते हैं, और वो इसीलिए देखते हैं कि कितनी बहादुरी से और कितने आपने प्यार से सारी चीज़ों को हैंडल किया है यहाँ पर, ठीक है। थ्री ऑफ सोर्स, बिल्कुल यहाँ पर धक्का तो लगा है आपको और ज़बरदस्त आपके साथ तो ऐसा मोमेंट रहा है आपका, जिससे बहुत ज़्यादा आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ है, ठीक है। तो लेकिन उन लोगों को, वो लोग जो थे ना आपके जो अब जिन्होंने आपके साथ ये सारी चीज़ें की हैं, अब वो लोग आपको छुप छुप के यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, वो और वो इसीलिए देखते हैं कि आपको कितना भी तोड़ा गया, कितना भी आपको किसी भी सिचुएशन में डाला गया, लेकिन जो आपका कॉन्फिडेंस है ना,
और आपके अंदर की जो एनर्जी है, ठीक है, आपकी अंदर की एनर्जी है ना, वो कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना पैंटू, अपने आप को, ठीक है। आप है ना, इतनी एक पावरफुल एनर्जी है आपके अंदर, दोनों मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, तो आपको कभी भी पीछे नहीं हटने देगी, ना ही किसी के आगे आपको झुकने देगी, ठीक है, ना ही किसी के आगे आपको, वो कहते हैं ना, अपने आप को कमजोर साबित होने देगी। तो प्लीज़ अपने आप को कभी इस चीज़ को, अपने आप को कमजोर कभी किसी के आगे मत समझना आप, ठीक है। लोगों ने तो आपके साथ बहुत कुछ ऐसा कर दिया जो कभी नहीं करना था आपके साथ, लेकिन कर दिया, वो भी अच्छा ही हुआ क्या, क्योंकि आप उस चीज़ से आप अपनी पावर में आए हो, और वो उस चीज़ को आपको छुपके छुपके यहाँ पर देखते हैं। एस ऑफ कप्स, बिल्कुल यहाँ पर जिस जिस तरीके से आपने अपनी हीलिंग करी है, जिस तरह से आपने आपको संभाला है, जिस तरीके से आपने अपने करियर में ग्रोथ करी है, कॉन्फिडेंस आपका कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में आने के बाद डाउन हुआ था, ठीक है, क्योंकि आपका दिल टूटा था, लेकिन आपने क्या करा, आपने बहुत ज़्यादा अपनी हीलिंग करी, अपने आप को संभाला, और आपने तो किया ही किया, लेकिन आपके साथ साथ वो जो होता है ना, हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर, उसने भी आपको एक बच्चों की तरह आपको संभाला है, वो प्यार आपको दिया जो जिनसे आप चाह रहे थे वहाँ से नहीं मिला, वो प्यार आपको आपके परमेश्वर से मिला है, आपको काफ़ी हीलिंग दी है, आपको संभाला है। वो कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी रोए हो आप, चुप चुप के रोए हो, कि आप कहीं ना कहीं अकेला अपने आप को किया है और फील किया है, लेकिन उस परमेश्वर के होते हुए कोई भी अकेला नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपने उन सब चीज़ों को, जब आपको उसका साथ मिला तो आपका विश्वास और बढ़ता गया, ठीक है। लेकिन आप लोग बाग इसको चुप चुप के देखते हैं कि जब आप इस पोजीशन पे आए हो ना, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, जिन लोगों ने चीटिंग करी, वही लोग आपको चुप चुप के यहाँ पर देखते हैं कि आप लोगों को एक ऐसी पावरफुल पोजीशन पर अभी बैठे हुए हो कि जो आप है ना, एक गुरु की भूमिका यहाँ पर निभा रहे हो, लोगों के बीच में काफ़ी ज्ञान भरी बातें आप कर रहे हो, क्योंकि लिसनिंग टू विजडम का यहाँ पर कार्ड है। आपको वो जो नॉलेज मिली है ना, वो आपके एंस्टर्स के थ्रू मिली है, ठीक है। ये नॉलेज देखो, ये गर्ल कैसे सुन रही है, लेकिन आपने भी बहुत ध्यान से उन सब चीज़ों को, जो आपको नॉलेज दी गई, जो ज्ञान दिया आपको दिया गया, उसको बहुत ध्यान से सुना, समझा और अपने कैरियर पे फोकस किया, ताकि आपको उस एनर्जी में ना रहो, ठीक है, और आप ऐसी पोजीशन पे जाओ जहाँ पर आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए आप उन लोगों से प्यार मांग रहे थे जहाँ पर वो उसके लायक थे ही नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको अब उन लोगों का प्यार मिल रहा है जिन्हें आप जानते तक नहीं हो, ना पहचानते हो, ठीक है। एक गुरु की भूमिका आप यहाँ पर निभा रहे हो, और ऐसी ज्ञान वाली बातें लोगों के बीच में बैठ के आप कर रहे हो जो लोगों को पता भी नहीं होती हैं। आपकी हर सॉल्यूशन की चाबी यहाँ पर आपके पास होती है, ठीक है। तो लोग बाग आपसे अपनी प्रॉब्लम को भी शेयर कर रहे हैं यहाँ पर आके, और आपको आपकी अपनी नॉलेज और अपनी अपनी ज्ञान से लोगों को हील कर रहे हो आप, जो जो परेशानी में हैं, जो दुख में हैं, ऐसी सिचुएशन में हैं जिनका दिल दुखा है, जिन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, उन्हें उन परेशानियों से आप निकाल रहे हो, उन लोगों को। आप ऐसी पोजीशन पे यहाँ पर बैठे हो, ये चीज़ें कहीं पे भी कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक गुरु की भूमिका निभा रहे हो या कुछ हो, आप छोटे मोटे कुछ भी हीलर भी हो सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 कार्ड्स और लेती हूँ, थैंक यू। तो लोग बाग आप इसको, इस जिन लोगों ने आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, तो वहाँ पर अब वो लोग चुपके चुपके आपको देखते हैं, और देख इसीलिए रहे हैं आपको कि आपको कितने, मतलब कितने ऐसी सिचुएशन में थे आप, कि आपको कहते हैं ना, ये अब नहीं उठने वाला, इसको तो बुरी तरह से हमने तहस नहस कर दिया, लेकिन आपका जो, आपके अंदर की जो एनर्जी है ना, वो तो कभी हार मान नहीं सकती, ठीक है।
यहाँ पर देखिए टेम्परेंस, आपके अंदर की होप, आपके अंदर का नॉलेज, ठीक है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो, आपको मैंने बोला था कि यहाँ पर आपको आपके भगवान, आपके प्रभु ने आपको संभाला, बिल्कुल डेफिनेटली आपके आपके ईश्वर ने आपको यहाँ पर संभाला। ये एंजल्स होते हैं, हमारे भगवान होते हैं यहाँ पर, जब हम इनको पुकारते हैं, हम इनसे हेल्प लेते हैं, तो डेफिनेटली ये वहाँ पर आते हैं और हमारी हीलिंग करते हैं, हमारे अंदर की चीज़ों को बाहर निकालने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं, हमें ग्राउंडेड रहना सिखाते हैं कि आप अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आपकी हीलिंग की गई है, आपको सही रास्ते पर यहाँ पर लाया गया है कि आप कहीं ना कहीं ऐसे, आपके सामने हमेशा दो रास्ते होते थे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उस सिचुएशन ने भी निकाला और आपको आपको है ना दो में से एक रास्ते पे चलने में, एक कहते हैं ना उस कंफ्यूजन से भी बाहर निकाला, ठीक है। तो लोग बाग आपकी इस चीज़ को चुपके चुपके देखते हैं कि कितने इजीली आप, आपकी हर दो में से किसी चीज़ एक की चॉइस करना हो तो कितना इजीली आप कर लेते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर पहले भी बोला था कि कहीं से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपको जस्टिस मिला है, ठीक है, आपकी एनर्जी को काफ़ी बैलेंस किया गया है। लोग बाग आपको ये सब चीज़ें चुप चुप के देखते हैं कि फाइनली आपके साथ कुछ चीज़ें गलत हुई थी तो उसका आपको इंसाफ मिला है। भगवान होता है, कौन कहता है भगवान नहीं होता है, भगवान होते हैं, वो सबके साथ होते हैं, किसी पर्टिकुलर किसी एक के साथ नहीं होते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आप हो बहुत ज़्यादा दिल के साफ, ठीक है, इसीलिए आपके पूर्वजों ने, आपके एंजल्स ने आपकी आपकी काफ़ी हेल्प करी है यहाँ पर, जिसको लेकर आपकी एनर्जी को बैलेंस किया और आपको जस्टिस दिलाया आपकी हर सिचुएशन में। तो वो लोग है ना आपको चुपके चुपके इन सब चीज़ों को देखते हैं, वो क्यों देखते हैं, वो इसलिए देखते हैं क्योंकि आप डे बाय डे काफ़ी आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है, कैसे भी बढ़ रहे हो, लेकिन आपने अपने आप को बहुत संभाला, उस ऐसी सिचुएशन से आपको निकाला आपने जो आपको आगे की तरफ, अब आपको लोगों का अप्रिशिएशन मिल रहा है, आपका काफ़ी लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। अब पहले आपके साथ भगवान का तो सपोर्ट था ही, लेकिन यहाँ पर लोगों का भी सपोर्ट अब आपको मिल रहा है, ठीक है, काफ़ी मतलब लोगों से आपको प्रशंसा मिल रही है कि किस तरीके से आप अपने आप को संभाल रहे हो और आगे की तरफ आप बढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन लोग यहाँ पर, ठीक है, काफ़ी उस चीज़ को लेके यहाँ पर देखिए ये गर्ल कितनी उसमें बैठी हुई है कि टेंशन में है बहुत ज़्यादा, इन सब चीज़ों को वो शायद देख नहीं पा रही है या सुन नहीं पा रही है, समझ नहीं पा रही है। कोई भी जो लोग आपको चुप चुप के देख रहे हैं वो काफ़ी अभी इन सब आपकी, आपने जो इतना अचीव किया है, आप इतना, आप अपनी मेहनत से आप यहाँ पर बैठे हो, जो लोग आपको चुप चुप के यहाँ पर देख रहे हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया था, वो काफ़ी अभी परेशान है इस वक्त, काफ़ी उन सब चीज़ों को काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं कि इतना कोई कैसे आगे बढ़ सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एंजल्स की तरफ से गाइड किया जाता है, सही रास्ता एंजल्स की तरफ से, आपके पूर्वजों की तरफ से आपको दिखाया जाता है यहाँ पर। इस कार्ड से भी मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी, ठीक है। देखो आपका, आपके प्रभु, आपके एंजल्स यहाँ पर आपके साथ हैं, आप क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, मासूम हो, ठीक है, आपको कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, वो पग पग आपको यहाँ पर गाइड करते हैं। तो लोग पग उसी सब चीज़ों को देख कर काफ़ी वो इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी मतलब वो हो जाते हैं कि किस तरीके से आप सही रास्ता पकड़ लेते हो, सही रास्ते को चूस पाते हो, वो इस चीज़ को जानना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें सारी चीज़ों की खबर है और कहीं कहीं है भी नहीं शायद, ठीक है, कि आपको प्रभु परमात्मा सही रास्ता दिखाते हैं, सही रास्ते पर आपको ले जाया जाता है, ठीक है, क्योंकि उनका सपोर्ट आपके ऊपर पूरा है, जिसको लेके लोग जो चुप चुप के देखते हैं काफ़ी निराश होते हैं कि क्यों आपके साथ ही सारी चीज़ें की जा रही हैं,
ठीक है, क्योंकि उन्हें वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही आपके लिए, जो आप जहाँ पर जिस जो चीज़ें आप कर रहे हो, ठीक है, तो उनकी सब तरफ ध्यान नहीं देना है। आप जैसे करते आ रहे हो उनकी तरफ, आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है, अपनी चीज़ों पे फोकस रखना है। काफ़ी अच्छा आप एनर्जीज निकली हैं पाइल टू आपकी। तो पाइल टू में इस रीडिंग को यहीं पर क्लोज करती हूँ। आई होप आपको रीडिंग से रेजोनेट होती तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय पाइल वन, सॉरी पाइल टू।